हाय गाइस, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ मेरे सलोन जो कि है क्लिफ्टन कराची में, विच इज़ माय एक्चुअली फर्स्ट फ्लैगशिप ब्रांच। और मैं करने जा रही हूँ अपने नेल्स, क्योंकि मेरे पास जो है वो आज एक दिन बीच में गैप आया है मेरी ड्रामे के शूट्स के दौरान। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है वो इस वक्त, क्योंकि मेरे नेल्स की हालत इतनी ख़राब हो रही है, आपको बाद में दिखाएंगे, तो मैंने सोचा कि आज ही वो दिन है कि जिसमें मुझे नेल्स कराने हैं। तो आपको दिखाते हैं कि नेल्स होते कैसे हैं, क्या है मेरे सलोन की, ज़रा एक टूर कराते हैं आपको। तो लेकिन वीडियो पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, फीडबैक दें, शेयर करें, बेल आइकॉन पर हिट करें एंड ढेर सारा प्यार जो है वो मेरे चैनल पर आप शावर करें। ओके गाइज, लेट्स गो। गाइस, सो आई एम एट माय सलोन और आप देख सकते हैं ये मेरा नेल्स और एक्रिलिक्स का सेक्शन है। सो आपको मैं बताया है कि मुझे जो है वो पूरा अपना नेल्स का फुल रीफिल कराना है, और बल्कि मेरे जो ये पुराने नेल्स हैं ये निकलेंगे, फाइल होंगे, और उसके बाद फाइलिंग के बाद ये पूरे न्यू सेट लगेगा और वो आपको दिखाएंगे क्विकली। सो इस वक्त जो है वो मेरे नेल्स को रिमूव करना होगा और आपको फिर पूरा प्रोसेस दिखाएंगे हाथ के हाथ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे जो नेल्स हैं वो कितने ज़्यादा ग्रो आउट कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। ओके गाइज, अब आप देख सकते हैं कि ये नाखून जो हैं यहाँ पे ये मैं उतार चुकी हूँ। ये जो है ये मेरे जो पुराने नेल्स थे उनको जो है वो थोड़ा सा हल्का सा पानी में डिप करना होता है और उसके बाद मैं उसको रिमूव करती हूँ। तो क्यूटिकल पुशर बड़ी आसानी से जो है वो यू नो उखड़ जाते हैं बेसिकली, लेकिन वो उनको ऐसा उखाड़ना नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा तरीके से उखाड़ना होता है और उनको रिमूव करना होता है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये हैं टिप्स जो कि नेल्स की टिप्स हैं, ठीक है ना। ये टिप्स हैं और यहाँ पे जो है ये टिप्स की सिलेक्शन होती है अकॉर्डिंग टू द नेल साइज़, और नेल साइज़ के मुताबिक जो है वो मैं टिप्स जो हूँ वो लगा चुकी हूँ। ये आप देख सकते हैं ये जो है वो ख़ास एक ग्लू होती है, उसके साथ जो है वो टिप्स को अटैच कर दिया जाता है। अब जो है वो मैंने बेसिक सी एक शेप दी है जो कि ऑफकोर्स ये जो फाइल्स वाइल्स होते हैं इनके साथ। ओके, सो ये आप देख सकते हैं अब इन नाखूनों के ऊपर जो है वो एक्रिलिक लगेगा, और मैं जो एक्रिलिक लगाती हूँ दैट इज़ द डिप एक्रिलिक। ये ख़ास जो है ये डिप एक्रिलिक्स होते हैं, बड़ा आसान तरीका होता है। आपको जो है वो एक ख़ास जो है वो एक जेल होती है जो कि बेस के तौर पे इस्तेमाल होता है, और ये बेस जो होता है इसको पहले लगाते हैं और इसके बाद जो है ना आप फिंगर इसमें डिप कर देते हैं और एक्रिलिक जो है वो आपके लग जाता है। और एक्रिलिक को जो है वो क्योर करने के लिए जो है वो ये एक लिक्विड है जो कि एक्टिवेटर लिक्विड होता है, और इस तरीके से जो है ये प्रोसेस जो है ये कम्प्लीट हो जाता है। एंड में जो है वो फाइलिंग बफिंग और होती है, और इसके ऊपर अगर कुछ आपको मतलब नेल पॉलिश वगैरह लगानी है या कोई जेल लगाना है या कुछ और लगाना है तो आप लगा सकते हैं। और साथ साथ में जो है यू नो लाइक मैं अपने पाँव का नेल कलर भी चेंज करा रही हूँ, और आई एम गेटिंग लाइक यू नो नाइस रिलैक्सिंग फुट मसाज एज वेल, एज यू कैन सी राइट हियर आई एम गेटिंग अ फुट मसाज। तो ये बेसिकली जो है वो अभी, अब आप देखते रहिए प्रोसेस जो है वो बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे कि क्या चल रहा है, और साथ साथ में जो है वो आपको एक्सप्लेन भी मैं थोड़ा बहुत करती हूँ।
देखिए गाइस, आप देख रहे हैं कि जो नेल्स हैं वो अभी इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। इसके ऊपर एक्रिलिक की जो डिप कोटिंग होती है वो हो चुकी है, दो कोट्स लग चुके हैं। इसका प्रोसेस जो होता है वो यही होता है कि आपको डिप करना है और उसके बाद क्योर करना है, फिर हल्की सी जो है वो फाइलिंग होती है और उसके बाद फिर ये दो तीन दफ़ा जो है ये कोटिंग्स इसकी होती हैं, तो उसमें जो है वो उसकी हल्की सी थिकनेस भी आ जाती है और जिसकी वजह से एक्रिलिक्स में जो है वो स्ट्रेंथ भी आ जाती है और इवेंचुअली जो है वो फिर नेल्स जो है वो फाइनल उसकी जो है वो शेपिंग और बफिंग होती है एंड एंड में जो है वो आपको इसका फाइनल जो लुक है। गाइज, ये जो है इस वक्त हम लोग टॉप कोट लगा रहे हैं, जेल का टॉप कोट। और ये जो जेल का टॉप कोट होता है ये ख़ास तौर पे इस मशीन में हार्ड होता है। इसके बड़ा एक टेक्निकल एक चीज़ है जो कि नॉर्मल रेगुलर टॉप कोट से हटके है। इसकी जो शाइन होती है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा शाइन आ गई है और ये जो शाइन है ये अब बिल्कुल बरकरार रहेगी, हटेगी भी नहीं ये शाइन। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू नो लाइक कैन डन बी डन विद द जेल टॉप कोट। और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, दैट्स द बेस्ट थिंग, एंड इट प्रोटेक्ट्स योर नेल्स एज वेल। और अब इसके ऊपर मैं सोच रही हूँ कि मुझे जो है वो ख़ास एक लाइक थोड़ा सा एक पॉइंटी फ्रेंच जो है वो मुझे इसके ऊपर करना है, तो लेट्स सी कि क्या इसका जो है वो हम किस तरीके से उसको करते हैं जो पॉइंटी फ्रेंच होता है, लाइक अ ट्राइंगल फ्रेंच। सो या दैट्स व्हाट आई वांट टू डू ऑन दिस। गाइस, तो ये जो नॉर्मल रेगुलर नेल पॉलिश है, जो वाइट जो हम लगा रहे हैं वो नॉर्मल रेगुलर नेल पॉलिश से लगा रहे हैं, ये जेल नहीं है। तो एज़ यू नो कि जो नॉर्मल नेल पॉलिश होती है उसको थोड़ा सा ड्राई करना पड़ता है फ़ैन में, तो यहाँ पे जो है ये फ़ैन लगा हुआ है तो इसमें मैं अपना दूसरा हाथ ड्राई कर रही हूँ जब तक कि एक हाथ पे जो फ्रेंच जो है वो लग रहा है, ताकि फिर ये कि उसको अच्छे तरीके से ड्राई होने के बाद इसके ऊपर टॉप कोट लगेगा और उसके बाद जो है वो नेल्स अच्छी तरीके से नेल पॉलिश जो होती है जब वो सेट हो जाती है तो फिर हटती नहीं है, पील नहीं होती है, चिपनी होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको अच्छे तरीके से ड्राई किया जाए। ओके गाइस, ये आप देख सकते हैं ये स्टोन्स हैं और मैं जो हूँ वो दूसरे किस्म के स्टोन्स जो हैं वो लगा रही हूँ, जो थोड़े से डायमंड शेप में हैं। ये यहाँ पे आप स्टोन्स देख सकते हैं, ये वाले जो स्टोन्स हैं ये मैं यहाँ अपने सेंटर में लगाऊंगी, इसके बहुत प्यारे लगेंगे। सो गाइस, ये नेल आर्ट है जो कि मैं करा रही हूँ अपने नेल्स पे, जो कि स्टोन्स के साथ है। और ऑफ कोर्स जो नेल आर्ट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता है, डिपेंड्स के कितना और क्या कराना है, सो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। जो ये नेल आर्ट हो रहा है स्टोन्स के साथ उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये एक अलग से एक पूरा यू नो इट्स अ सेपरेट प्रोसीजर ऑल टुगेदर स्टोन्स की, जो जो जितने लगाने हैं स्टोन्स और क्या उसका डिज़ाइन बनेगा वो सारी चीज़ें, तो वो उसके जनरली जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं।
आपने देखा कि आज मैंने अपने नेल्स कराए हैं मेरे सलोन से। आप लोग जो हैं वो मेरे सलोन पे आके अपनी भी नेल्स करा सकते हैं। मेरी ब्रांचेज हैं कराची में क्लिफ्टन, लकी वन मॉल एंड तारिक रोड। तो ज़रूर आके अपने नेल्स कराइए, नेल आर्ट एंड यू नो लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फंकी फंकी थिंग्स आप करा सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय टुडेज व्लॉग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे हिट करें, शेयर करें, फीडबैक दें और बहुत सारा प्यार जो है वो आपके लिए, बहुत सारी दुआएं एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू।